गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी सी सीरीज के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन की खास बात ये होने वाली है, स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो मैच हो रहा है आईफोन 13 के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक एंड वीडियो, दिस इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिल्यू चैनल। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी सी सीरीज के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन का नाम है रियलमी सी 35। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द आपको पाकिस्तान और इंडिया में लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन की तमाम तरह स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। और इस वीडियो पर मैंने 50 लाइक्स का टारगेट रखा है, जो कि आपने जरूर अचीव करना है। और ऐसी मजीद लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई का चैनल टेक्निकल बेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन की। स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो मैच हो रहा है आईफोन 13 के साथ। स्मार्टफोन की बैक साइड पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, बैक साइड एल्यूमिनियम फ्रेम की बनी हुई है, फ्रंट पे आपको वाटर नोटिस का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट पे आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। अगर बात करूं स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.6 इंचेस का है, फुल एचडी डिस्प्ले है, साथ आपको रेजोल्यूशन 1080 की दी जाएगी। अगर बात करूं टेक्नोलॉजी की, स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो IPS LCD की है 16 मिलियन कलर्स के साथ। पिक्सल डेस्ट्री 400 की दी जाएगी, नेट स्ट्राइव 480 के दिए गए। नो डाउट रियलमी कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर काफी अच्छा काम किया, आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, स्मार्टफोन के साथ आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर स्मार्टफोन के बॉक्स के साथ दिया जाएगा। और साथ ही डिस्कस करूंगा स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। नॉट डाउट इस स्मार्टफोन पर आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मार्टफोन में लगाई गई है एक्सनेक्स T616 की 4G की चिपसेट, आप कोई भी हैवी गेम नॉर्मल फ्रेम्स के ऊपर आसानी से रन कर सकेंगे। तो गाइस आप बात करेंगे स्मार्टफोन के रैम एंड वेरिएंट्स की। स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च होगा। जो सबसे पहला वेरिएंट है वो 4GB रैम और 64GB रोम के साथ लॉन्च होगा, और इसी स्मार्टफोन का सेकंड वेरिएंट 4GB रैम और 128GB रोम के साथ लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन के बैक साइड पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, मेन कैमरा 50 MP का, बाकी दोनों कैमरा 2-2 MP के दिए गए हैं। साथ आपको LED फ्लैश भी दी गई है, मेन कैमरे की मदद से आप 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड पर वाटर नोटिस का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो कि 8 MP का होगा, और फ्रंट कैमरे की मदद से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो गाइस आप बात करेंगे स्मार्टफोन की प्राइस की, तो स्मार्टफोन की प्राइस मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया, और ये स्मार्टफोन 21 फरवरी 2022 में पाकिस्तान में लॉन्च होगा। सो गाइस आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा, आपको जरूर इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मोबाइल फोन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।